तो दोस्तों, हम लोग जब YouTube पे कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो वो अगर आप क्रोम ब्राउजर से अपलोड करते हो, और हमेशा ट्राई करना कि क्रोम ब्राउजर से ही अपलोड करने का डेस्कटॉप मोड को इनेबल करके, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब भी आप क्रोम ब्राउजर से वीडियो को अपलोड करते हो तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, बहुत सारा ऑप्शंस आ जाता है, और उन ऑप्शंस में आपको टिक करना पड़ता है, किसी में टिक नहीं करना पड़ता है, और किस में क्या टिक करना पड़ता है, दो दो ऑप्शन मिलता है, तो बहुत सारे ऐसे ढेरों ऑप्शंस रहते हैं। तो आज की इस वीडियो पर दोस्तों मैं बताऊंगा कि वीडियो अपलोड करते टाइम जो भी सारे सेटिंग्स है, जो सारे पॉइंट्स है, जो सारे ऑप्शंस हैं, उनमें किसको अलाउ करना है, किसको डिसअलाउ करना है, किस में क्या करना है, सारा डिटेल बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, इससे बेनिफिट ये है, सबसे पहला तो आपके वीडियो पर कभी भी कॉपीराइट या सब का इशू क्लियर हो जाएगा, आपके वीडियो को कोई यूज नहीं कर पाएगा, एंड थर्ड वीडियो भी वायरल होने की संभावना हो जाता है, ठीक, अगर आप सही तरीके से वीडियो को अपलोड करते हो तो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग इसी के बारे में बताऊंगा कि आपको क्या क्या अलाउ करना है, क्या डिसअलाउ करना है, क्या सेटिंग रखना है, क्या नहीं रखना है, डिटेल मिल जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक आज का देख लेना आज की इस वीडियो को, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको आगे भी यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, वहाँ पर भी मैं यूट्यूब से रिलेटेड काफ़ी सारे स्टोरीज लगाता रहता हूँ। मेरा यूजर नेम है manojday23, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, जाकर के जरूर से फॉलो कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपने इस वीडियो को अपलोड करते टाइम आपको, जैसा मैंने फर्स्ट में ही बताया, आपको हमेशा क्रोम के ब्राउजर पे ही करना है डेस्कटॉप मोड को इनेबल करके, अगर आपके पास फोन है तो, और अगर आपके पास पीसी लैपटॉप है तब तो कोई इशू नहीं है। तो मैं अभी अपने पीसी के स्क्रीन पे ही बताऊंगा, जस्ट आप इसी काम को अपने फोन पे भी कर सकते हो क्रोम ब्राउजर पे, ठीक है। तो चलिए मैं चलता हूं अपने स्क्रीन पे। सो गाइज, मैं आ गया हूं अपने यहां पर पीसी के स्क्रीन पे। ये दोस्तों, ये काम आप आराम से जो है अपने मोबाइल पे कर सकते हो, और हमेशा क्रोम ब्राउजर से ही जो है कोशिश करना कि वीडियो को अपलोड करने के लिए, क्योंकि क्रोम ब्राउजर पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलता है एक्स्ट्रा, जिससे आपका वीडियो को हेल्प मिलता है वायरल होने में, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा वीडियो अपलोड करने का प्रोसेस क्या होता है, जस्ट आपको यहाँ पर प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना होता है, देन यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है अपलोड वीडियो, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अपलोड वीडियो के ऊपर आप क्लिक कर दोगे, इस तरह का आपके सामने जो है पेज खुलकर आ जाएगा, सिलेक्ट फाइल्स के ऊपर में आपको फिर क्लिक करना होता है, देन आपको गैलरी ओपन हो जाएगा आपके फोन का, या फिर आप पीसी से करोगे तो पीसी का जो भी वीडियोज है, तो यहाँ पर सारे वीडियोज आपके सामने आ जाएंगे। अब आपको उस वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है जिस वीडियो को आपको अपलोड करना है, लाइक मैं एक डेमो के लिए इस वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद ओपन कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है मेरा वीडियो अपलोड होना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए, आपको ढेर सारे ऑप्शन मिलते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन सा ऑप्शन क्या है और क्या सेटिंग आपको रखना है, जिससे आपको कोई भी आगे प्रॉब्लम ना हो, और साथ ही आपकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिल पाए, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको करना क्या, सबसे पहले तो टाइटल आता है, तो टाइटल लगा दीजिए वीडियो का जो भी हो, लाइक ये मेरा वीडियो था माय इंटरव्यू, ठीक है, माय इंटरव्यू ऑन रेडियो सिटी, ठीक है, मैंने टाइटल लगा दिया माय इंटरव्यू ऑन रेडियो सिटी, ये मेरा मान लीजिए टाइटल है। अब आपको क्या करना है, इसी टाइटल को जस्ट कॉपी कर लेना है, और उसके डिस्क्रिप्शन पे भी आपको ये टाइटल लगा देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको एक डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी बना करके रखना है, जिस डिस्क्रिप्शन को हमेशा कॉपी पेस्ट कर देना है अपने हर एक वीडियो पे, लाइक मेरा जैसे बना हुआ है, ठीक है। मैं अपना चैनल यहाँ पर ओपन करके मैं दिखा देता हूँ, लाइक मैं क्या करता हूँ, देखिए किसी भी वीडियो पर मैं चला जाऊँगा, ठीक है, यहाँ पर मैं चला गया, इस वीडियो को बंद करता हूँ, और ये देखिए मेरा डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी देखिए बना हुआ रहा था, जिसमें लिखा हुआ अपने भाई को फॉलो करना, मेरा इंस्टा फेसबुक ट्विटर लिखा हुआ है, मैं कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज करता हूँ उसका लिंक दिया हुआ है, फिर बिजनेस इंक्वायरी के लिए मेल दिया हुआ है, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब, ये आप चाहो तो मेरा ही कॉपी करके लगा सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट आप अपना भी बना सकते हो जितना भी अच्छा बना पाओ, ठीक है। मैं इसको हमेशा बना कर रखता हूँ, और इसको मैं जस्ट कॉपी कर लेता हूँ, और हर एक वीडियो पर इसी डिस्क्रिप्शन को पेस्ट कर देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी कर दिया, ये देखिए। और सिर्फ क्या करना है कि आपको टाइटल को भी कॉपी करके पेस्ट कर देना है, ये हो गया दोस्तों आपको पहला काम। उसके बाद दोस्तों, चाहो तो आप यहाँ पर योर क्वेरीज करके लिख सकते हो, ये टाइटल को घुमा फिरा के टैग की तरह, जिससे आपका वीडियो ज़्यादा रैंक होने की संभावना होता है, ये मैंने ऑलरेडी बना हुआ है मेरा वीडियो, मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हो। अब दोस्तों, यहाँ पर आता है थंबनेल सेट करने के लिए, ये देखिए अपलोड थंबनेल का ऑप्शन आता है, जस्ट यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ये सब आपको पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर थंबनेल को सेलेक्ट कर लेना है, मैंने थंबनेल को चलिए यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है, थंबनेल आ गया। अब दोस्तों, आपके सामने एक ऑप्शन आता है प्लेलिस्ट सेलेक्ट, सेलेक्ट के ऊपर हम क्लिक करोगे तो आपके सामने जितने भी आपने चैनल पर प्लेलिस्ट बना कर रखे हुए हैं वो सारे प्लेलिस्ट आ जाएंगे, आपको जिस भी प्लेलिस्ट पे इस वीडियो को ऐड करना है वो कर सकते हो, अगर आपको नहीं करना तो नहीं करना है। तो मुझे मान लीजिए मनोज दे प्लेलिस्ट पे करना है, तो मैंने मनोज दे करके डन कर दिया, ये हो गया काम। अब दोस्तों, यहाँ पर आता है ऑडियंस, और ऑडियंस पर आपके सामने एक ऑप्शन आता है येस इट्स मेड फॉर किड्स, और एक आता है नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स। तो यहाँ पर आपको दो में से एक सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर नो करना है, अगर आप येस कर दोगे तो आपका कमेंट डिसेबल हो सकता है, आपका ऐड कम आएगा, क्योंकि वो मेड फॉर किड्स वाला सेक्शन में चला जाएगा आपका वीडियो। तो हमेशा इसको ट्राई करो कि नो नॉट मेड फॉर किड्स ही करना। उसके बाद दोस्तों, आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर शो मोर, शो मोर के ऊपर में क्लिक कर दीजिए। शो मोर के ऊपर में क्लिक करने के बाद आपके सामने और भी बहुत सारे जो है यहाँ पर आ जाता है ऑप्शन। अब इसके बारे में डिटेल में मैं बताता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है।
यहाँ पर सबसे पहला आता है पेड प्रमोशन। पेड प्रमोशन में आपको यहाँ पर टिक करना है माय वीडियो कंटेंट पेड प्रमोशन लाइक प्रोडक्ट प्लेसमेंट स्पॉन्सरशिप और एंडोर्समेंट। अगर आपका वीडियो ये स्पॉन्सर वीडियो अगर आपको किसी ब्रांड ने स्पॉन्सर्ड किया है तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है। अगर आपका स्पॉन्सर्ड नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद दोस्तों ऑटोमेटिक चैप्टर को आप अलाउ कर सकते हो, डिसअलाउ कर सकते हो। अलाउ कर दोगे तो क्या होगा कि आपके वीडियो में अगर आपने चैप्टर बना रखा हुआ है तो ऑटोमेटिक चैप्टर में बन जाएगा, और अगर नहीं करोगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, इसको रहने देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेन चीज आ जाता है टैग्स। तो टैग्स के बारे में आप लोगों को पता ही होगा, घुमा फिरा के टैग्स लगा देना है, माय इंटरव्यू इस तरह करके, ठीक है, ऑन रेडियो सिटी, इस तरह का बहुत सारा आप टैग लगा सकते हो। इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना हुआ, इस पर मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा नहीं तो फिर बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। टैग कैसे लगाते हैं आप लोग चाहो तो मेरे चैनल को चेक कर सकते हो, आपको मिल जाएगा वीडियो। अब दोस्तों यहाँ पर आता है लैंग्वेज एंड कैप्शन ये सब, ठीक है। तो वीडियो लैंग्वेज क्या है, कैप्शन सर्टिफिकेशन, रिकॉर्डिंग डेट क्या था, वीडियो लोकेशन, ये सब भी आप चाहो तो सेलेक्ट कर सकते हो, बट इसको जैसा है ऐसे ही रहने देना, ठीक है, इसको ज़्यादा ये मत करना। उसके बाद गाइस यहाँ पर आता है लाइसेंस। लाइसेंस पे यह हमेशा याद रखना, स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस ही होना चाहिए, क्रिएटिव कॉमन्स नहीं होना चाहिए। क्रिएटिव कॉमन्स का मतलब ये होता है, क्रिएटिव कॉमन्स का मतलब ये होता है कि आप मतलब अलाउ कर रहे हो कि कोई भी आपकी वीडियो को यूज कर सकता है अपने चैनल पर। और अगर आप स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस करके रखोगे तो आप किसी को भी परमिशन नहीं दे रहे हो कि मेरे वीडियो को कोई भी अपने चैनल पर डालो। अगर इनकेस कोई डालता है तो आप उसको कॉपीराइट दे सकते हो, लेकिन अगर आप क्रिएटिव कॉमन्स करके रखते हो तो आप उसको कॉपीराइट नहीं दे सकते, क्योंकि आपने खुद मतलब कि रख दिया है कि हाँ मेरा वीडियो कोई भी अपलोड कर सकता है। तो वो चीज़ आप ध्यान रख लेना। जैसे ये क्रिएटिव कॉमन्स बहुत सारे यूट्यूबर्स करके रखते हैं, लाइक संदीप माहेश्वरी, उनका देखिएगा क्रिएटिव कॉमन्स में रहता है, क्योंकि उनको वो चाहते हैं कि उनका वीडियो जो चाहे जहाँ चाहे अपलोड कर सकता है, उनको कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आता है शॉर्ट सैम्पलिंग, इसको अलाउ करना है या फिर डिसअलाउ। तो ये अलाउ किया हुआ रहता है शॉर्ट सैम्पलिंग, ये क्या है, अलाउज पीपल टू क्रिएट शॉर्ट्स यूजिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो, नॉट ऑल वीडियो कैन ऑप्शन आउट। इसका मतलब ये है कि आपके वीडियो का कोई भी पार्ट को यूज करके कोई भी शॉर्ट वीडियो बना सकता है आपके ऑडियो को यूज करके। तो वो चीज़ आप अलाउ कर रहे हो, अगर आपको नहीं करना है तो इसको आप टिक आउट भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर टिक इन कर दिया मैंने। अब दोस्तों यहाँ पर आता है कैटेगरी। कैटेगरी भी आपको जो है चेक कर लेना है अपने चैनल पर कि सही कैटेगरी पर जा रहा है या नहीं। लाइक मेरा चैनल है टेक्निकल, तो यहाँ देखिए इंटरटेनमेंट अपने आप हो गया है, तो मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा टेक्निकल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये। अगर आपका चैनल ब्लॉग है तो ब्लॉग एंड पीपल आपको सेलेक्ट करना होगा, लाइक यहाँ पर मिल जाएगा, ये देखिए पीपल एंड ब्लॉग्स। अगर आपका गेमिंग है तो गेमिंग, ट्रैवल एंड इवेंट्स है ट्रैवल, स्पोर्ट्स, पेट्स एंड एनिमल, म्यूजिक, कार व्हीकल, फिल्म एंड एनिमेशन। तो आपको यहाँ पर कैटेगरी जरूर से चूज कर लेना है अगर आपका नहीं किया हुआ है तो। वैसे यूट्यूब खुद ही चूज कर लेता है आपका चैनल जिस भी चीज़ पर हो, बट कभी कभी नहीं होता, गलत भी हो जाता, तो उसको भी आप देख लेना। कमेंट रेटिंग ये सब सारा जैसा है वैसे ही रहने देना। सो हाउ मेनी व्यूअर्स लाइक एंड डिसलाइक दिस वीडियो, इसको भी टिक करके ही रहने देना। उसके बाद दोस्तों ये सारा फर्स्ट पेज का आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करके आप चाहो तो इस वीडियो का एंड स्क्रीन लगा सकते हो, एड कार्ड लगा सकते हो। एंड स्क्रीन का मतलब होता है यहाँ पर एड के ऊपर में क्लिक कीजिए, और यहाँ पर देखिए कोई भी एंड स्क्रीन लगा सकते हो लास्ट में, मतलब वीडियो खत्म होते टाइम आपका एक वीडियो और आ जाएगा, एक सब्सक्राइबर बटन आ जाएगा, एक प्लेलिस्ट आ जाएगा, एक सब्सक्राइबर आ जाएगा, या टू वीडियो। मैं टू वीडियो पर क्लिक कर देता हूँ तो दो वीडियो आप लास्ट में लगा सकते हो वीडियो के एंड में। यहाँ पर क्लिक कीजिए, चूज स्पेसिफिक वीडियो, और इस वीडियो को मैंने मान लीजिए लगा दिया सेकंड वाले पे, इसको क्लिक कर दिया, सेकंड वाले पे मैंने इस वीडियो को लगा दिया। तो इस तरह से आप चाहो तो इस पर वीडियो भी ऐड कर सकते हो, और यहाँ पर आपको सेव कर देना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर मैं सेव कर सकता हूँ, और ये सेव हो चुका है। उसी तरह ऐड कार्ड, कार्ड का ऊपर मतलब होता है आई बटन। आई बटन चाहो तो आप एक मिनट के बाद आई बटन ऐड कर सकते हो, आई बटन पर आपका कोई वीडियो का लिंक दे दीजिए, उसके बाद सेव कर दीजिए, ये हो गया। अब दोस्तों आप करना है आपको नेक्स्ट। नेक्स्ट के ऊपर में चेक्स के ऊपर में देखिए यहाँ पर चेक होता है, यूट्यूब खुद चेक करता है आपका वीडियो में कोई इशू तो नहीं है, उसके बाद आपको कर देना है नेक्स्ट। उसके बाद दोस्तों आपको इस वीडियो को सेव करना होगा प्राइवेट, अनलिस्टेड या पब्लिक। हमेशा आप ट्राई करो अनलिस्ट पर करने के लिए, क्योंकि अनलिस्ट का मतलब ये होता है कि आपका ये नोटिफिकेशन अभी पब्लिक तक नहीं जाएगा, आपका वीडियो कोई देख नहीं पाएगा, ठीक है। जस्ट ये वीडियो आपका अनलिस्ट पे रहेगा, आप फिर चेक कर लो अच्छे से सब सही है नहीं, उसके बाद आप चाहो उसको जा करके पब्लिश करना, ठीक है, अनलिस्ट पे जा करके इसको सेव कर दो। ये है तो है दोस्तों सिंपल सा तरीका। जो भी सारे यहाँ पर ऑप्शंस थे उसके बारे में आज मैंने क्लियर आप लोगों को बताया है कि कौन सा ऑप्शन क्या है और किसको क्या रखना है नहीं रखना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो पे आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है, सारा सेटिंग के बारे में मैंने बता दिया है। अगर वीडियो कुछ सीखने को मिला अगर वीडियो पे एंड चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो चलिए आज की इस वीडियो पे इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।